जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी की डिसम्बॉडी सर्विस की। डिसम्बॉडी सर्विस के बारे में बताऊं उससे पहले आपको इसका अर्थ बता देता हूं। डिसम्बॉडी का मतलब होता है देह मुक्त, यानी कि शरीर से देह यानी कि आत्मा का मुक्त होना। या आपने और पढ़ा होगा कि एक संत सिर्फ एक शरीर त्यागता है लेकिन उसका देह मुक्त होकर वो अमृत हो जाता है, यानी कि वो अमर हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर टेरिटोरियल आर्मी के संबंध में अगर आप डिसम्बॉडी का मतलब जानेंगे तो उसके लिए मेरे को आपको काफ़ी लंबे टाइम पुराने टाइम पे ले चलना होगा, फिर बताता हूँ आपको कि डिसम्बॉडी है क्या, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जब से टीए की स्थापना हुई तब से लेके तकरीबन 2006-07 तक टेरिटोरियल आर्मी को जो उनके जो सोल्जर्स होते थे उन लोगों को परमानेंट ड्यूटी नहीं मिलती थी। उनको तकरीबन एक वर्ष में 6 या 5 महीने की ड्यूटी मिलती थी और बाकी 6 महीने के लिए उनको डिसम्बॉडी कर दिया जाता था। यानी कि उस टाइम जब वो ड्यूटी नहीं करते थे उस टाइम की उनको पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलते थे। लेकिन ये सब चीज़ें होती थी आपकी 2006-2007 से पहले। और ये चीज़ को आपको और क्लियर कर देता हूँ कि आपको पता ही होगा कि बोला जाता है टेरिटोरियल आर्मी इज़ द सेकेंड लाइन डिफेंस ऑफ इंडियन आर्मी। यानी कि जो टेरिटोरियल आर्मी है टी आर्मी वो इंडियन आर्मी का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये होता है कि पहले के टाइम पे क्या था कि टेरिटोरियल आर्मी के जवान को एक सपोर्टिंग के रूप में काम में लिया जाता था। जैसे कि आर्मी अगर कहीं बैटल में जाती है तो वहाँ पे उनकी एमिनेशन की अपलोडिंग के लिए या आर्मी के जो सामान होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेरिटोरियल आर्मी के जवान हेल्प करते थे। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद में हमने देखा होगा कि जब श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चला था तो उसमें भी टेरिटोरियल आर्मी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बहुत बेहतरीन काम किया था। तमाम प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन से लेके काउंटर इंसर्जेंसी क्षेत्र में आज टेरिटोरियल आर्मी बहुत बेहतर काम कर रही है। तो पहले की टेरिटोरियल आर्मी और वर्तमान की टेरिटोरियल आर्मी में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। अब टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी से किसी भी मतलब बहुत कम चीज़ें छोटी मोटी कोई एक चीज़ रह गई हुई तो बात अलग है, नहीं तो इनका बाकी हर चीज़ सेम कर दिया गया है। अगर हम बात करें सैलरी की, बात करें कैंटीन फैसिलिटी की, बात करें मेडिकल फैसिलिटी की और बात करें एक्सरसाइज कोटे की, तो जो फैसिलिटीज़ इंडियन आर्मी के जवान को है वही की वही जो फैसिलिटीज़ है वो टेरिटोरियल आर्मी के जवान को भी है। तो 2006-07 तक 6 या 7 तक ऐसा होता था कि एक टेरिटोरियल आर्मी के सोल्जर को 6 महीने की ड्यूटी मिलती थी, 7 महीने की मिलती थी, 8 महीने की मिलती थी। तो जिस टाइम पे वो ड्यूटी नहीं करता था तो उस टाइम की उसको सैलरी नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपकी प्रॉपर जो आपकी ईयरली ड्यूटी होती है और बाकी जो आपकी एनुअल लीव होगी या आपकी जो कैजुअल लीव होगी उस दौरान पे आप छुट्टी जाएंगे और छुट्टी का भी आपका पूरा पैसा नहीं कटता है। तो जो आर्मी में फैसिलिटीज़ है अब वही टेरिटोरियल आर्मी में फैसिलिटीज़ भी है। तो आप लोगों का एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि डिसम्बॉडी जो पहले वाला था 6 महीने टीए के जवान को नौकरी मिलती उसके बाद नहीं मिलती, तो वो पहले की बात थी, उसको कर दो साइड। वर्तमान में आज टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी के कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और इंडियन आर्मी के साथ में आपने देखा होगा बिल्कुल सेम इंडियन आर्मी की ड्रेस, इंडियन आर्मी का पूरा पैटर्न और कहीं ना कहीं वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है। यानी कि आपको पता होगा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंग है। उसी प्रकार टेरिटोरियल आर्मी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है। थोड़ा बहुत अंतर जरूर है कि फ्रंट फुट में आर्मी का रोल अलग हो जाता है, इनका थोड़ा सा इतना भी उसमें वो नहीं है। आर्मी से कुछ बहुत तो डिफरेंसेस कुछ तो रहेगा लेकिन आप कह सकते हैं कि 99-95% से अबव पूरा आर्मी जैसी इसमें फैसिलिटीज़ है और आर्मी के जैसे ही इसमें रोल है। लेकिन अगर बात करें अगर एडवेंचर लाइफ की या बहुत सारे ऐसी चीज़ों की तो ज़रूर आर्मी से 19-20 का इसका हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ इसमें आर्मी जैसा ही है। अब रहेगी बात आप लोगों को दूसरे डाउट की कि सर क्या हमने सुना है टेरिटोरियल आर्मी में केवल 7 साल की ही नौकरी होती है। ऐसा चलाने वाले बकवास यूट्यूब चैनल हैं और ऐसा आपको बताने वाले वो नकली फौजी लोग हैं, कभी अपना फेस भी नहीं दिखाते हैं, इसी प्रकार के अंटे-संटे वीडियो बनाते रहते हैं और उनका कोई न उनके कभी बाप दादा ने फौज देखी न उनको कुछ आता पता, तो ऐसी खबरें वही चलाते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है कि टीए में केवल 7 साल की नौकरी हो गई है या टूर ऑफ ड्यूटी वाला जवान ही टेरिटोरियल आर्मी में जाएगा, बिल्कुल गलत है, मिथक है। और दूसरा आपका एक और कमेंट्स आता है कि सर क्या टेरिटोरियल आर्मी में 2 या 3 महीने की सर्विस नहीं मिलती है क्या जवान और अफसर्स को, तो मैंने जवान के संदर्भ में तो आपको बता दिया है कि इनको कंटिन्यू ड्यूटी मिलती है, बस साल में जो आपके एनुअल लीव और सेल होती है उसमें आप छुट्टी जाते हो उसके भी आपके पैसे नहीं कटते हैं। अब बात करें अफसर्स की तो मैंने आपको बताया था इसमें अफसर
शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं वो लंबा ड्यूरेशन करते हैं, मतलब 10 से लेकर 14 साल तक का। उसके बाद दूसरे टाइप के जो ऑफिसर आते हैं वो मानक रैंक पर आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कपिल देव को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में मानक पद दिया गया, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया, अभिनय बिंद्रा को दिया गया, अनुराग ठाकुर को दिया गया, इसी प्रकार क्या सचिन पायलट को भी दिया गया। नेता या खेल के खिलाड़ी या बहुत से ऐसे लोग जो होते हैं जिनको टेरिटोरियल आर्मी में मानक रैंक दिया जाता है, तो इनमें अकेले एक महेंद्र सिंह धोनी ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर आर्मी की ट्रेनिंग करी, पैरा की ट्रेनिंग करी, पैरा जम के, और उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम पे भी वो जरूर आर्मी से, मतलब टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े रहेंगे। तो ये तो हो गई जो लोगों को मनोनीत किया जाता है। अब उसके बाद में जो थर्ड पार्टी है, अभी आपने देखा होगा कि सितंबर में एग्जाम हुए थे टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारियों की, अब जो वो भर्ती है अधिकारियों की डायरेक्ट उनकी साल में 2 से 3 महीना उनकी सर्विस रहती है, बाकी टाइम वो लोग घर पे अपना अदर जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन उनको साल में 2 से 3 महीना उनको टेरिटोरियल आर्मी में रहना पड़ेगा। तो ये ऑफिसर्स एंट्री है टेरिटोरियल आर्मी की, जो कि डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री होती है और जिसका नोटिफिकेशन jointterritorialarmy.nsc.in पे आता है, और इस साइड पे सिर्फ अधिकारियों का ही नोटिफिकेशन आता है, अभी तक जवानों का नहीं आता है। तो ये चीज़ मैंने आपको डिसम बॉडी से लेकर टेरिटोरियल आर्मी के बारे में सब चीज़ बता दिया है। और थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट है कि सर क्या टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने सुना है कि टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन नहीं मिलता है, तो ये भी बिल्कुल भ्रामक खबरें हैं, बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं, इस चीज़ का कोई सत्यता से कोई ना लेना ना कोई देना। बहुत जल्द शायद मेरे ख्याल से 7 या 8 तारीख को एक मेरा टेरिटोरियल आर्मी का दोस्त आ रहा है, हवलदार है, और जल्द मैं उसके साथ में बैठ के आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों के जो जो टेरिटोरियल आर्मी को लेके जो आपके और डाउट्स हैं आप वो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना, और आपके उन्हीं सवालों का जवाब वो खुद देंगे और आपको बताएंगे, जिससे कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि टी में अब डिसम बॉडी वाला जो पहले का ज़माना था 6 महीने 5 महीने जो छुट्टी बेचते थे वो अब नहीं रह गया है, या टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को इंडियन आर्मी की तरह मौके नहीं मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी जो चीज़ एक और है कि जो बंदा इंडियन आर्मी में जीडी से रह जाता है, यानी कि जीडी में मान लिया जाए, जीडी के लिए इंडियन आर्मी में 45% का क्राइटेरिया है, किसी कारणवश मान लिया जाए कि किसी एक जवान के 10th में 45% नहीं बने तो इंडियन आर्मी में जीडी के लिए तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी उसके पास में वो बेहतर ऑप्शन है कि उसमें वो 12th पास करने के बाद में आराम से सोल्जर जनरल ड्यूटी के पद पर जा सकता है, सिर्फ उसको 12th पास चाहिए। यहाँ पर उसके लिए मिनिमम मार्क के जो क्राइटेरिया है वो चीज़ नहीं होती है, सिर्फ 12th पास चाहिए, 12th पास के बेस पे ही वो सोल्जर जीडी में जा सकता है। तो मैंने आपके जो भी ये सारे डाउट थे क्लियर कर दिए हैं, आशा करता हूँ कि जो भी आपके टेरिटोरियल आर्मी डिसम बॉडी या आपकी सर्विस पेंशन भूतपूर्व सैनिक कोटा अगर वगैरह से जो भी प्रॉब्लम थी शायद वो सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी मेरी वीडियो में अगर कोई पार्ट रह गया होगा या कोई चीज़ में अगर बताना भूल गया हो तो आप इस वीडियो में कॉमेंट्स कर सकते हैं, आपके कॉमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए भाई को इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।